तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, एकदम मजे होंगे। भाई लोग अपन आ चुके हैं माइनक्राफ्ट की एक और नई स्टाइलिश सीरीज को लेकर फिर से, और सभी का स्वागत है आज के न्यू गेम प्ले में। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। अब जिसने लास्ट टीम नहीं देखी, क्योंकि लास्ट टीम पर मैं ज़्यादा ग्राइंड कर पाता हूँ, तो आप लास्ट टीम पर आ सकते हो, मोस्ट वेलकम। आपका लास्ट टीम का जो टाइमिंग है वो है अपने सवेरे 7:30 बजे इस चैनल पर, और एक इवनिंग टाइम में 5 बजे सेम इसी चैनल पर। तो दो टीम होती है, एक और होती है सेकंड चैनल पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, डेविड चैनल। वहाँ पर मल्टीपल गेम की लास्ट टीम होती है विद माइनक्राफ्ट, ठीक है। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पर भी उस टीम होती है 8:30 बजे रात को। और यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं, और यहाँ पर मैं चेंजेस कर देता हूँ, मैंने क्या क्या कर दिया इसमें। तो सबसे पहले तो इसका विजिट करवाता हूँ पूरा का पूरा। सबसे पहले बाहर से दिखाता हूँ आपको विजिट, कैसे मैंने इसको चेंज कितना मैंने चेंज कर दिया है यहाँ पर इसको, और आज क्या अपन करेंगे वो भी आपको मैं यहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। बारिश हो रही है यहाँ पर, इसमें मौसम में तो सीन ही बढ़िया बना हुआ है, तो रात का ही टाइम है इसमें, तो यहाँ पर आपको बढ़िया यहाँ से नाम दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, एक मिनट थोड़ा सा और पीछे जाओ। हाँ, सबसे पहले मैंने ये वाला नाम लिखा था, सभी को पता ही है, ये वाला नाम लिखा था मैंने मेंशन में, डेविड, ठीक है। मैं मेंशन का कहीं मेंशन को ही अभी यहाँ पर बना रहा हूँ, पूरा का पूरा सेट कर रहा हूँ इसे। तो और इसके बाद फिर मैंने इसमें अंदर कारपेट वगैरह लगा दी, वो आपको बाद में दिखाऊंगा इसके बाद में। और यहाँ पर फिर मैंने ये लास्ट टीम में मैंने कर दिया यूट्यूब डिफॉर डेविड, ये लिखा दिया अपने चैनल का नाम, ठीक है। और इसको मैंने हवा में इसलिए रखा है ताकि मैं अगर मैं दूर भी जाता हूँ कहीं पर भी रात में, कहीं पर और ग्राइंड करने जाता हूँ, तो मुझे दूर से ये नाम दिखाई दे जाए और मैं इजिली मैं पहुँच पाऊँ, तो इसलिए मैंने इसको ऊपर हवा में लगाया हुआ है नाम, ठीक है, लिखा हुआ है। और चलिए अब शुरू करते हैं। और यहाँ पर ये मैंने अंदर की तरफ चेंजेस कर दिया है पूरा का पूरा। नीचे वाला पोर्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, नीचे वाला पोर्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, यहाँ पर देख सकते हो फ्लावर टाइप सब कुछ यहाँ पर इजीली डन हो चुका है, ठीक है। सभी तरह प्रकार की यहाँ पर मछलियाँ मिल जाएंगी आपको। ठीक है, ये सब सही वर्क कर रहे हैं, हाँ सही है। अभी आपको ऊपर की तरफ लेके चलते हैं, तो ऊपर की तरफ विजिट करवाता हूँ मैंने क्या क्या चेंजेस कर दिए ऊपर की भी। और आज जो अपन इसमें मैंने स्टे लगा दी इधर की साइड ताकि ऊपर पहुंचने में इजी रहे। नीचे वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो लाइट वाला ही है, ये उसको मैं हटा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इस साइड झूमर टाइप लगा दी, थोड़ा सा डेकोरेशन टाइप कर दिए। और ऐसा ही मैं एक और सोच रहा हूँ कि उस टाइप लगा दूँ, उस तरफ लगा दूँ, तो यहाँ पर भी बढ़िया रहेगा, लाइटिंग की थोड़ी जो दिक्कत का घट जाएगी फिर, ठीक है। और एक सेंटर में एक झूमर लगाया मैंने, ये छोटा सा बनाया है, और कमेंट करें जो बताना कि कैसा लगा ये झूमर आपको, ये वाला, ठीक है। एंड इसके बाद आज अपन जो इसमें करने वाले हैं, जहाँ जहाँ मैंने ये ब्लॉक तोड़े हुए हैं, ये वाले, ठीक है, क्वार्ट्ज जो तोड़े हुए हैं क्वार्ट्ज ब्लॉक के, तो यहाँ पर मुझे लगाने हैं ग्लोस्टोन, ग्लोस्टोन से, क्योंकि इसलिए यहाँ पर मैंने इसमें कर दिया है होल वगैरह की, ताकि यहाँ पर लाइट की कोई दिक्कत ना हो, ग्लोस्टोन से लाइट इजिली यहाँ पे जल सके। तो अभी चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर, और लगाते हैं अपना करते हैं यहाँ पर लगाते हैं ग्लोस्टोन। ग्लोस्टोन मैंने पहले से रखा हुआ है, ठीक है, ये मैं नेदर से लेकर आया हूँ, तो इजिली मैं यहाँ पर कर लूंगा। ज्यादातर मैं ग्राइंडिंग है ना इस लास्ट टाइम में कर पाता हूँ, वीडियो में बहुत कम कर पाता हूँ मैं। और ये भी हो चुका है, मैं इसको इधर रखता हूँ। अब दूसरी साइड, यहाँ पर इस लाइट से ना थोड़ी बढ़िया भी लगेगा, और लाइट की दिक्कत भी कम हो जाएगी यहाँ पर जो अंधेरा, अगर अंधेरा सा है। ठीक रह गया, फिर आपको मैं व्यू देता हूँ इसका फिर से अलग से। डन, अभी आपको व्यू देता हूँ। अब यहाँ पर देखते हो कितना बढ़िया लग रहा है, लाइटिंग जो उसके ब्लॉक के अंदर हो गई है, तो बढ़िया लग रहा है। अगर मैं बाहर निकाल देता तो उसको ग्लोस्टोन को तो बेकार सा लगता है। और यहाँ पर एक छोटी सी दिक्कत हो रहा है, यहाँ पर ये कुछ कुछ अंधेरा है, ये इसको मैं कम करने की कोशिश करूंगा जितना हो सके, ठीक है। बस इतना इस साइड मुझे लगाना है अब यहाँ पर, ये ऐसे ही ये लाइटिंग वगैरह, ताकि ये बढ़िया लगे। और इस साइड यहाँ पर एक ये जो एरिया है ना गाइस, ये वाला जो एरिया है, ये होगा 2 बेडरूम होंगे टाइप, एक ये वाला बड़ा सा और एक उधर,
तो इसको मैं अलग से ही करूँगा, इसको मैं सोच के रखूँगा कि क्या करना मुझे इसमें, ठीक है। अभी एक बार अच्छा ये रहने लगी ना, कोई बात नहीं, इसको भी कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ऐसे बाहर से देखने को मिल जाएगा कि क्या क्या चल रहा है यहाँ पर, इसलिए मैंने इस एरिया को ऐसा रखा है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया इस वीडियो देखने के लिए, बाय, टेक केयर।